वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल एवं सिद्धार्थ बघेल SDOP भाटापारा के मार्गदर्शन में सिग्मा पुलिस द्वारा रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे NH 130 में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले संदिग्ध वाहनों पर सतत निगाह रखी जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की क्रेटा कार में उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर पेंड्रा गोरेला मारवाड़ी जिले की ओर जा रहे हैं। सूचना पर सिमगा पुलिस द्वारा सिमगा नगर के आने जाने वाले वाहनों एवं नेशनल हाईवे में स्थित समस्त ढाबों पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। इसी बीच रॉयल ढाबा सिमगा में सफेद रंग की हाई कार क्रेटा को पकड़ा गया, जिसमें बैठे हुए चालक से गाड़ी तथा उसके कागजात के संबंध में पूछने पर गोलमाल जवाब देने लगा। पुलिस द्वारा वाहन की बारी की तलाशी लेने पर कार की डिक्की में 4 सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में भरा कुल 59 पैकेट मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। गांजा परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने को कहा, जो कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया तथा पूछने पर गांजा को उड़ीसा से लाना और बिक्री हेतु पेंड्रा गोरेला मरवाही की ओर ले जाना बताया। आरोपी ज्ञानेश्वर मिश्रा को मौके पर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पूरे रंग के टैप से टैपिंग किया गया। 59 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल वजनी 167 किलोग्राम कीमती करीबन 16,60,000 रुपए गांजा परिवहन में प्रयुक्त होने क्रेटा वाहन कीमती 15 लाख मोबाइल कीमती 2,000 रुपए नगद एवं एक आधार कार्ड की छाया प्रति कुल जुमला कीमती 31,62,000 रुपए जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना सिमगा में धारा B20 के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है।